हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और सरल तरीके से आलू गोभी की चटपटी सब्जी बनाने की विधि, जिसे आप बच्चे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये देखिए, पहले मैंने एक प्याज काट लिया है और थोड़ा सा लहसुन है, 4-5 कली लहसुन है, और एक टमाटर है आप देख सकते हैं, और 2 हरी मिर्च हैं। आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप कम कड़ू खाते हैं। और मैंने सब्जी को अच्छे से धुल के रख लिया है सारी चीज़ें। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, और सब्जी आप हमेशा मोटी ही कढ़ाई बनाइए जो बच्चे हैं, ताकि जले ना। थोड़ा तेल डाल दिया है 2 चम्मच, और अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाला है कढ़ाई में। इसमें मैं आलू और गोभी को थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी, क्योंकि आप आलू गोभी अगर आप कच्चा बनाएंगे तो थोड़ी स्मेल सी आती रहती है गोभी की, और अगर आप तल के थोड़ा बनाएंगे तो उसकी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्ज़ी खाने में। जो गोभी नहीं खाते हैं वो भी खाने लगेंगे अगर आप इस तरह तल के बनाएंगे तो। तो पहले अच्छे से इसे हम तल लेंगे कढ़ाई में। देखिए मैं इसे चलाते हुए तल, और तेज़ आँच पर ही तलिए इसे। थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दूंगी ताकि ये मुलायम हो जाए गोभी, और आप देखिएगा आप तलते तलते ही ये आलू और गोभी पक जाते हैं, तो सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और देखिए मैंने इसे हल्का सा 5 मिनट भूनने के बाद इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और इसी तेल में मैं सब्जी को छौंक दूंगी, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है और तेल भी गर्म है। थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हींग, और फिर मैं एक जो मैंने एक प्याज काट के रखा था उसे डाल दूंगी इसमें। और इसे अच्छे से भून लूंगी। एक बार आप मेरी तरह ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा सब्ज़ी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है। और जो मैंने 2-4 कली लहसुन काट के रखा था वो भी मैं इसमें डाल लूँगी, बिल्कुल माँ जैसा स्वाद आता है खाने में। और 2 मिर्ची जो मैंने काट के रखी थी वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ से अच्छा खाना कोई भी नहीं बना सकता। माँ के खाने में जो स्वाद होता है वो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा। जो मैंने टमाटर काट के रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि मुलायम हो जाए, और अच्छे से इसे भूनते हुए थोड़ा सा नमक भी मैं अभी इसमें डालूँगी। पहले मैंने डाली है लाल मिर्च 1/2 चम्मच, आप इसमें ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी 1 चम्मच हल्दी, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे, और मिलाते हुए इसे अच्छे से भून लूँगी मैं। अब इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक डालने से बहुत जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर जैसे आप मैंने सुना होगा कि सब्ज़ी टमाटर डाल दीजिए तो पकती नहीं है, अगर आप नमक डाल के इसे पकाएंगे तो बहुत जल्दी सब्ज़ी पक जाएगी। पहले आप टमाटर पका लीजिए नमक डाल के, हल्का सा नमक, तो सब्ज़ी बहुत ही फटाफट पक जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। वैसे आपने सुना होगा कि खट्टे टमाटर डाल दीजिए तो सूखी सब्ज़ी बहुत ही देर में पकती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं डालूँगी इसमें राजेश का 1 चम्मच सब्जी मसाला, जो मैं हमेशा हर सब्ज़ी में डालती हूँ, आपने देखा होगा, और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये सब्जी का मसाला डालने के बाद आपको किसी भी मसाले की या गर्म मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 5 रुपये में हर जगह आसानी से मिल जाता है। फिर मैं इसमें डालूँगी सब्जी जो मैंने भून के रखी थी, आलू और गोभी, उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी, और अच्छे से इसे मिलाऊंगी। मैं जो भी आपको रेसिपी बताती हूँ, मेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही सब्ज़ी बनाती थी जैसे मैं आपको बताती हूँ हर सब्ज़ी, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि माँ की खाने में जो स्वाद होता है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो मैं माँ के हाथ की ही बनी हुई सब्ज़ी की रेसिपी और जो भी मैं बनाती हूँ मैंने अपनी माँ से ही सीखा है हर चीज़, और बहुत ही कम मसालों में अच्छी चीज़ें बनाना मैंने उन्हीं से सीखा है। और क्योंकि उस समय ज़्यादा ये सब नहीं होता था, मसाले जो आप चल गए हैं मीट मसाला वगैरह। देखिए मेरी सब्ज़ी फटाफट बन के तैयार हो चुकी है, 5 मिनट ही मैंने इसे पकाया था क्योंकि भूनते हुए ये पक जाती है। तो चलिए सब लोग आनंद लेते हैं इसका।